हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए, हम इस जैकेट के सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पार्ट में हम ये नेक की और आर्म होल की घटाई बनाएंगे। और अब मैं आपको इसे मेज़र करके दिखा देती हूँ। मेज़र करके ये देखिए, इसका जो मेज़र है ये 16.5 है, 16.5 इंच टोटल इसका राउंड हो गया, 33 इंच, 33 इंच। लेकिन वूल पहनने पर खींचेगी इसको, हल्का सा भी आप खींचेंगे तो अब देखिए ये 17 इंच हो गया, 17 इंच। तो इस हिसाब से 34 जो इसका मेज़र है, 34 चेस्ट साइज के लिए मैंने इसे बनाया है। और इसके लिए वूल जो मैंने ली है, 3 प्लाई की वूल है और साथ में 11 नंबर क्रोशिया हुक लिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए इस तरह से ये जैकेट है। जैकेट को आप चाहें तो यहाँ पर पॉकेट भी लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको जैकेट की फुल लेंथ भी मेज़र करके दिखा देती हूँ। जितनी रो मैंने बनाई है, उतनी रो बनाने से इसकी लेंथ कितनी तैयार हुई है, 25 इंच, 25 इंच। तो नेक हमने जो डिक्रीज करना है, देखिए ये हमारी राइट साइड है, मैंने आपको बताया है। राइट साइड आपको यहाँ से देखेंगे तो ये हमारी राइट साइड है। राइट साइड से मैं बना के, ये देखिए राइट साइड से ये रो बनाते हुए मैं यहाँ तक आई हूँ। अब इसके बाद हमने डिक्रीज बनानी है नेक की। 3 हमने चेन लिए, वर्क को टर्न करेंगे, ये टर्न किया हमने तो ये हमारी रॉन्ग साइड आ गई। रॉन्ग साइड से मैंने घटाई बनानी स्टार्ट की है। किस तरह से बनाएंगे, बहुत ही इजी है। 3 चेन लिए, पहले हम 5 बना लेंगे पट्टी के। उसके बाद 1 चेन ली, यहाँ पर हमारे पास 7 है, 7 के ऊपर 5 बनाएंगे, एक इस साइड छोड़ देंगे, एक इस साइड जो हमारा पैटर्न है सेम हम बनाएंगे। देखिए फर्स्ट स्टिच मैंने छोड़ दिया, इसे छोड़ देंगे, नेक्स्ट में बनाया, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 बनाए हमने। इसके बाद 1 चेन लेंगे, सेम आगे पैटर्न कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू हमने किस तरह से करना है, वही जैसे हमने ये सारा बनाया है। ये 5 हमने डबल क्रोशे किए, उसके बाद 1 चेन ली, 1 चेन लेकर अब ये देखिए यहाँ पर हमारी पत्ती ख़त्म हुई है, यहाँ से नई पत्ती स्टार्ट हो जाएगी, नई टुकड़ी। एक हमने डबल क्रोशे किया, 1 चेन ली, 1 चेन स्किप करेंगे, फिर हम 5 डबल क्रोशे करेंगे। देखिए इस तरह से जैसे हमने ये यहाँ पर शुरू की है, इसके बाद 3 आ जाएंगे। ये देखिए ये हमारे पत्ते टुकड़ी डिक्रीज हो रही है, यहाँ से इनक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, 1 है, 3 है, फिर 5 आएंगे। और यहाँ पर देखिए हमने एक स्टिच स्टार्ट में डिक्रीज कर दिया, वो किस तरह से कर दिया वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास 7 है, 7 स्टिच हैं, 7 के ऊपर हमने 5 बनाए हैं, 5 के साथ हमारे पास सिर्फ होल है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये 7 स्टिच हैं, लेकिन जब हमने 5 बनाए हैं तो 5 के साथ होल है, होल के साथ एक डबल क्रोशिया या फिर एक होल है, यहाँ पर 1 चेन है। तो ये एक हमारे जो स्टिच है वो यहाँ पर देखिए आया नहीं है, तो ये डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज बहुत इसकी आसान है, आप फटाफट इसको बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक हमारा कम हो गया, अब मैं यहाँ पर आके आपको दिखाती हूँ। तो आर्म होल वाली साइड हमने किस तरह से बनाना है, आर्म होल वाली साइड मैंने कोई भी स्टिच डिक्रीज नहीं किया, बिल्कुल इसके ये जो हमने डिवीज़न की है बिल्कुल इसके पैरेलल बनेगा। ये हमारी नेक वाली साइड है। तो किस तरह से बनाना है, ये देखिए लास्ट में हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं, उसके बाद 1 चेन ली, 1 चेन लेकर ये होल है जो यहाँ पर मैंने 1 डबल क्रोशिया बनाया, यहीं से टर्न लेंगे। 3 हमने चेन लिए, वर्क को टर्न किया, राइट साइड आ गई मैं। राइट साइड आ गई, ये जो हमने डबल क्रोशिया किया है इसके ऊपर हमारी 3 की चेन आ गई। बाकी पैटर्न हमने वही बनाना है, तो अब हमने होल में बनाना है 1 डबल क्रोशिया,
इसके बाद एक चेन ली, एक चेन स्किप करेंगे, ये पांच थे हमारे पास डबल क्रोशिया, अब पांच के ऊपर तीन आएंगे। इसके बाद एक चेन ली, एक है, एक के ऊपर तीन आएंगे, एक, फिर होल में पैटर्न हमने वही बनाना है, एक चेन ली। तो यहाँ तक मैं बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये तीन 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 आते गए, ये हमारे पास लास्ट में ये जो हमारी पांच थे स्टिच उसके ऊपर भी मैंने तीन बनाए हैं। बस तीन बनाने के बाद हमने ये चेन ली और यहाँ पर पांच बनाएंगे पट्टी वाले। देखिए इस तरह से, तो ये हमारी राइट साइड है, वो को टर्न करेंगे फिर से। ये देखिए रॉन्ग साइड आ गए हम, थर्ड रो हम रॉन्ग साइड से बनाएंगे, ये पांच स्टिच बनाएंगे, एक चेन ली, एक चेन लेकर देखिए ये फर्स्ट छोड़ देंगे, सेकंड वाले के ऊपर एक बनाया हमने। तो ये हमारी देखिए टुकड़ी कंप्लीट हो गई, यहाँ पर सात हैं, फिर पांच हैं, तीन हैं, एक है, एक चेन ली। अब ये पांच है, पांच तीन है, यहाँ पर तीन के ऊपर पांच बनाएंगे, बाकी तो आपको पता ही है, तीन के ऊपर पांच बनेंगे, फिर पांच के नेक्स्ट रो जब बनाएंगे पांच के साथ हो जाएंगे। फिर एक चेन ली, फिर एक चेन ली, पांच बनेंगे, आर्म होल तक आएंगे। तो ये थर्ड रो है, रॉन्ग साइड है हम और आर्म होल के पास है। इस तरह से बनाएंगे, ये देखिए तीन के ऊपर एक बनाया, इसके बाद एक चेन ली, यहाँ पर देखिए ये एक था हमारे पास, फिर ये दो हैं, अब ये तीन हो जाएंगे। पहले होल में बनाया, उसके बाद यहाँ पर बनाएंगे, फिर लास्ट में तीन की चेन है उसके ऊपर बनाया। ये एक तीन, एक फिर दो फिर तीन, फिर ये चार हो जाएंगे। वॉक को टर्न करेंगे, फोर्थ रो स्टार्ट करेंगे राइट साइड से। तीन तीन चेन ली, अब देखिए ये तीन है हमारे पास शुरू में, तो अब ये देखिए बिल्कुल स्टार्ट वाले में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। इसके बाद होल में, तो आर्म होल वाली साइड देखिए चार हो गई, एक फिर दो तीन फिर चार, एक चेन लेंगे। और अब देखिए अब वही पैटर्न है हमारा, इसको स्किप करेंगे, ये पांच है, पांच के ऊपर सात बनेंगे। फिर एक चेन लेंगे, इसे स्किप करेंगे, फिर एक यहाँ बनेगा, पांच इसके ऊपर और एक होल में। तो पैटर्न वही कंटिन्यू करना है हर बार हमने, तो नेक वाली साइड आएंगे। तो अब देखिए सात स्टिच बनाने के बाद यहाँ पर हमने एक चेन ली, तो ये जो डबल क्रोशिया है इसे स्किप करेंगे, पांच पट्टी वाले बना लेंगे। तो फोर्थ रो हमारी राइट साइड से कंप्लीट हो गई, सेम उसी तरह से, ये देखिए सात हैं, फिर एक चेन, फिर सात, फिर एक चेन, फिर हमने पट्टी बनाई। रॉन्ग साइड आ गए, फिफ्थ रो स्टार्ट करेंगे नेक वाली साइड, तीन चेन लिए हमने, तीन चेन लेकर पट्टी वाले डबल क्रोशे बना लेंगे।
इसके बाद एक चेन ली, ये हमारे पास 7 स्टिच हैं। फर्स्ट वाला स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले के ऊपर बनाएंगे 5 बनाएंगे यहाँ पर स्टिच। इस तरह से सेंटर में एक बनाया, इसके बाद एक चेन ली, फिर ये 7 है इनके ऊपर 5 बनेंगे। इस तरह से आर्म होल तक बनाएंगे। आर्म होल वाली साइड देखिए, ये हमने 5 बना लिए जैसे हमने यहाँ पर बनाए हैं। देखिए सेंटर में एक बनता है लेकिन यहाँ पर रह गया स्टिच हमारा एक। एक चेन ली, फिर एक चेन ली। यहाँ पर देखिए हमारी टुकड़ी डिक्रीज हो रही है, 7 थे तो 5 हो गए, तो ये जो हमारे पास इस साइड स्टिच है आर्म होल वाली साइड, तो ये भी डिक्रीज होंगे। पहले हम यहाँ होल में बनाएंगे एक, फिर एक चेन ली, फिर ये एक स्टिच हम स्किप करेंगे, 4 के ऊपर 3 बना लेंगे। इस तरह से वॉक को टर्न करेंगे, राइट साइड आ गए हम। एक दो तीन चेन लिए। अब देखिए ये, देखिए ये एक है, फिर दो तीन, फिर 4 3, अब ये 2 रह जाएंगे, एक और 2। इसके बाद एक चेन ली, ये एक है, ये टुकड़ी हमारी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, एक दो और 3। फिर एक चेन ली, ये 5 है, 5 से 3 रह जाएंगे, फिर ये 3 से, 1 से 5 3 हो जाएंगे, फिर यहाँ 3 3 बनाकर यहाँ तक आएंगे। राइट साइड है ये हमारी, राइट साइड नेक वाली साइड। यहाँ पर देखिए 3 लिए, इसके बाद एक चेन लेंगे और ये 5 पट्टी वाले बना लेंगे। इस तरह से वर्क को टर्न करेंगे, रॉन्ग साइड आके हम 5 पट्टी वाले बना लेंगे। एक चेन ली, ये 3 है हमारे पास स्टार्ट में, 3 के ऊपर एक किया, एक चेन ली, ये 3 है, 3 से 5 हो जाएंगे। फिर एक चेन ली, तो ये 3 है, 3 से एक करेंगे। ये हमारी टुकड़ी जो है यहाँ तक इंक्रीज हुई थी, ये हमारी डिक्रीज हो गई। और ये देखिए ये एक है, 3 है, 5 है, फिर 7 आएंगे, आर्म होल तक आएंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो ये 1 2 3 4 और ये होल में बनेगा 5th स्टिच। इसके बाद एक चेन ली, एक चेन लेकर इसे स्किप करेंगे, 3 की जो चेन है 3rd चेन में हमने डबल क्रोशिया किया। तो ये देखेंगे आप, ये बिल्कुल अब यही चीज़ आ गई। देखिए 1 2 3 4 5, उसके बाद एक चेन है और ये एक डबल क्रोशिया, तो ये भी हुई है 1 2 3 4 5, एक चेन है फिर डबल क्रोशिया। तो अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। नेक्स्ट रो हमने किस तरह से बनानी है, यहाँ पर देखिए ये जब हम एक बना लेते हैं, 3 है फिर एक है, उसके बाद होल वाली रो आती है, 7 डबल क्रोशिया होल, फिर 7 डबल क्रोशिया होल, उसके बाद फिर नेक्स्ट में एक आता है। तो अब हमने ये 7 डबल क्रोशिया वाली रो बनानी है, 5 के ऊपर 7 आएंगे, फिर यहाँ पे होल आएगा, फिर यहाँ पर 7 आएंगे, फिर यहाँ पर होल आएगा, तो होल हमने सबसे पहले बनाना है। तो ये मैंने इसलिए आपको यहाँ पर समझाया है।
वर्क को टर्न किए हैं और अब हम देखिए ये राइट साइड है, राइट साइड से हम ये रो बनाएंगे आर्म होल वाली साइड, 1 2 3, तीन हमने चेन लिए स्टार्ट के लिए। इसके बाद हमने यहाँ पर होल बनाना है, होल बनाकर हमने यहाँ पर 7 बनाने हैं, होल के लिए हम एक चेन और ले लेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे, एक बनाया, फिर 5 के ऊपर 5 बनेंगे, देखिए 5 बना लिए हमने, फिर होल में बनाया तो टोटल हमने यहाँ पर 7 बनाने हैं। ये तीन की चेन को छोड़ दे, तीन की चेन के बाद हमारे पास होल है, कहने का मतलब है ये 4 हमने स्टार्ट में चेन ली है, उसके बाद हमने यहाँ पर 7 बनाए हैं। इसके बाद फिर से होल बनेगा, एक चेन, फिर यहाँ पर इसको स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, तो यहाँ पर 7 बनेंगे, 1 5 यहाँ पर, एक हम होल में बनाएंगे, देखिए इस तरह से। तो अब हम नेक वाली साइड आएंगे, ये देखिए इस तरह से। अब हमने नेक वाली साइड फिर से डिक्रीज करना है, एक चेन लेंगे, ये जो हमारा एक स्टिच है डबल क्रोशे का, इसे स्किप करेंगे और बटन पट्टी के 5 बना लेंगे, 1 देखिए इस तरह से। ये देखिए हमारी जो नेक है वो डिक्रीज होने स्टार्ट होगी। तो डिक्रीज ये किस तरह से हुई, ये देखिए यहाँ से हमने इस रो से हमने डिक्रीज करना स्टार्ट किया है, ये वाली रो से, तो हमारे पास यहाँ पर 7 थे, 7 के बाद हमने 5 बनाए हैं, फिर 3 है, फिर 1 है, लेकिन यहाँ पर आप नीचे देखिए जब हमारे पास ये 7 स्टिच होते हैं उसके साथ होल है, यहाँ पर भी 7 के साथ होल है, लेकिन 5 के साथ फिर 1 है, 3 के साथ फिर 2 है, 1 के साथ फिर 3 है, तो ये जो हमारी आधी पत्ती इधर बनती जाती है वो यहाँ पर नहीं बनी। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये 5 के साथ एक स्टिच नहीं आया, ये देखिए आगे 3 के साथ हमारे, ये 3 के साथ हमारे 2 स्टिच हैं तो 3 के साथ 2 नहीं आए, ये आगे देखिए ये 3 के बाद 1 है, 1 के साथ आगे हमारी ये 3 है तो 1 के साथ वो नहीं आए, तो इसलिए ये जो आधी टुकड़ी है ये यहाँ पर डिक्रीज होगी, आधी टुकड़ी फिर यहाँ पर डिक्रीज होगी, इस तरह से ये यहाँ से आपको पैटर्न दिखेगा तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ दिखेगा। तो जब आपके पास ये 7 डबल क्रोशे हों तब आप घटाई डालनी स्टार्ट करें, जैसे कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, उससे हमारी नेक बिल्कुल इस तरह से फिनिशिंग के साथ आएगी। ये देखिए यहाँ पर 7 वाली रो में हमने ये मार्कर लगाया है, उसके बाद हमने डिक्रीज करना स्टार्ट किया है, उससे नेक की फिनिशिंग बिल्कुल इस तरह से आएगी। आपको कोई भी टुकड़ी देखिए यहाँ पे हाफ नहीं दिखती, बस यहाँ से गए और यहाँ से ये कंप्लीट हमारी टुकड़ियाँ दिखेंगी। वर्क को टर्न करेंगे, ये 5 बना के फिर दिखाती हूँ। तो अब देखिए 5 बना लिया मैंने, इसके बाद ये देखिए ये हमारे पास 7 है, उसके बाद फिर होल है 7 है, तो ये हमारे पास ये रो आ गई, ये देखिए ये 7 है हमारे पास, फिर होल है 7 है, तो यहाँ पर जैसे हमने ये घटाया है ये भी हमने घटाया है, तो सेम अब यहाँ पर नेक वाली साइड घटाई आएगी। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 7 है, तो अब हमने एक चेन लेनी है, फिर 5 बनाएंगे, फिर चेन लेंगे, फिर 3 बनेंगे, तो नेक वाली साइड अब आगे इसी तरह से आएगी, चेन लेंगे और यहाँ पर एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, इसी तरह से आगे बनता जाएगा नेक वाली साइड। आर्म होल वाली साइड भी सेम बनेगा, वो भी मैं आपको एंड में जाके दिखाती हूँ। तो इसके बाद फिर घटाई आप बना लें, मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। देखिए 7 है, फिर 5 आए, इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पर हमारा पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, 1 है, फिर एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पर 5 बनेंगे, तो यहाँ पर आएंगे, तो आर्म होल वाली साइड आ गए। ये देखिए जैसे यहाँ पर है ये 5 डबल क्रोशिया, फिर 1 आता है, फिर 5 डबल क्रोशिया, फिर 1 आता है, तो एंड भी हमने इसी तरह से करना है, 5 डबल क्रोशिया, 1 चेन लेंगे और लास्ट में जो हमने शुरू में चेन ली थी, थर्ड चेन में 1 2 3 थर्ड चेन में हमने 1 डबल क्रोशिया किया। तो अब देखिए ये बिल्कुल सेम है, 5 1 5 1,
और ये पत्ती भी देखिए बिल्कुल सेम है। अब यही चीज़ यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, जैसे नेक की यहाँ पर स्टार्ट होगी, आर्म होल वाली साइड भी इसी तरह से आता जाएगा, ये 1 2 3 4 फिर 3 2 1। तो अब देखिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ एक रो, अब अभी और बताती हूँ। 3 हमने चेन लिए, देखिए जब हमारे पास ये 1 है उसके बाद 2 आएंगे, तो अब 2 आएंगे, ये होल है, सेकंड हम स्टिच होल में बनाएंगे। अब ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 होंगे और ये हमारे डिक्रीज होंगे। एक चेन ली हमने, फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे, सेकंड वाले के ऊपर बनाया, फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर बनाया, तो यहाँ पर हमने 3 बनाए, फिर एक चेन ली, तो यहाँ पर 3 बनेंगे, 3 बनेंगे, 3 3 बनते हुए नेक वाली साइड आएंगे। ये देखिए आगे फिर इसी तरह से बनता जाएगा। जब भी आपको कुछ ना पता चले तो आप यहाँ नीचे पैटर्न से देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने आने हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 5 के बाद 3 है, तो यहाँ पर आप देखिए नीचे ये हमारे पास 5 है, 5 के बाद 3 है, तो 3 के साथ इस साइड हमारे पास 2 है, इस तरह से देख सकते हैं, तो 3 के साथ यहाँ पर 2 आने चाहिए। अब ये आगे 1 आएगा, तो जब ये 1 आएगा, 1 के साथ हमारे पास यहाँ पर 3 होंगे, तो नेक्स्ट रो जो होगी 1 आएगा, फिर चेन आएगी, फिर 3 आएंगे, फिर नेक्स्ट में 3 के जगह 4 आएंगे। अगर कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आती तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आगे फिर इसी तरह से बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अभी तक जो हमने रो बनाई है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने रो बनाई है। 10 रो बनाने पर ये हमारी राइट साइड है, राइट साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर जब हमने घटाई स्टार्ट की थी, 1 2 3 4 5 पैटर्न मैंने रखे थे, तो 5 में से ये 1 और 2 पैटर्न में जो टुकड़ी है, 1 टुकड़ी और 2 टुकड़ी, इतने मैं यहाँ पर नेक के लिए डिक्रीज करूँगी। तो अभी हमने 1 टुकड़ी डिक्रीज की है, जब ये पूरी दूसरी कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी 5 में से ये जो 3 है जो ऊपर जाकर हमारे पास रहेंगे। तो आगे मैं ये आपको पूरी टुकड़ी यहाँ पर डिक्रीज करके यहाँ पर दिखाती हूँ। तो देखिए नेक मैंने डिक्रीज कर दी है, और यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अभी मैंने रो बनाई है, 16 नेक की फिनिशिंग देखिए। और अब देखिए यहाँ पर हमने जब डिक्रीज करना स्टार्ट किया था, ये 7 के बाद स्टार्ट किया था, तो ये पूरी एक हमारे पास ये टुकड़ी है, 1 टुकड़ी 2 3 4 5 पैटर्न थे अपने हमारे पास, 1 2 3, तो यहाँ से आप इसको इस तरह से रखेंगे। ये देखिए 7 होल 7 होल 7 और होल, इस तरह से ये ऊपर आया, 7 होल है, 7 फिर होल आया हमारा, फिर 7 और फिर ये होल आया, तो ये 2 पैटर्न हमारे यहाँ पर कम हो गए। अगर आप किसी छोटे का बनाते हैं, देखिए 2 पैटर्न जब हमारे कम हुए, यहाँ पर ये हमारे 2 पूरे पैटर्न कम हुए हैं, तो उससे हमारे पास इस तरह के देखिए 1 2 3 4 हमारे बनी हैं। अगर आप किसी छोटे बच्चे का बनाते हैं तो आप इस तरह से 4 ना बनाएं, 3 तक भी कर सकते हैं। तो फिर आप यहाँ पर 1 2 3 और साथ में ये 1.5 पत्ती कम करें इस साइड, फिर आपने ये 1 2 3 और ये यहाँ तक फिर आप कम करें, तो ये फिर यहाँ तक आपकी आएगी, ये 7 के बाद होल है, फिर 7 के बाद होल है, फिर यहाँ से आप फिर नई पट्टी भी साथ में टुकड़ी भी बनाएं, जैसे हम यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ तो हम डिक्रीज कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर हम एक्स्ट्रा जो आधी पत्ती होती है स्टार्ट नहीं करते। ये देखिए 7 है, फिर होल है, फिर ये 7 है, फिर होल है, तो अब ये वही आई है। यहाँ पर देखिए ये 7 है, होल है, 7 है, होल है, तो अब इसके बाद हमने इस तरह से साथ में आधी पत्ती भी नेक वाली साइड स्टार्ट करनी है। अब ये होल है, ये देखिए होल, इसके बाद जब स्टार्ट करेंगे तो ये इस तरह से आएगा, बटन पट्टी के फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, साथ में फिर एक के ऊपर 2 आएंगे, तो साथ में यहाँ पर अब आधी पत्ती भी बनती जाएगी। लेकिन अगर आप छोटे बच्चे की बनाते हैं, फिर आपको यहाँ पर पूरे 2 पैटर्न नेक वाली साइड कम करने की ज़रूरत नहीं है, आप 1.5 पैटर्न कम कर सकते हैं, और भी छोटा रखना चाहते हैं तो 1 पैटर्न कम कर सकते हैं। ये मैंने बड़ी 34 चेस्ट साइज़ के लिए 2 पैटर्न कम किए हैं। जितना आप छोटा बनाएंगे नेक वाली साइड, उतने ही आप पैटर्न कम करें डिक्रीज।
तो अब देखिए यहाँ पर हमने एक पत्ती भी स्टार्ट करनी है और स्टिच डिक्रीज नहीं करने। एक चेन ली, एक यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन ली। अब इसके बाद एक को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे। जैसे हमने शुरू में सारी जैकेट बनाई है, अब सेम उसी तरह से नेक वाली साइड बनेगा। यहाँ पर देखिए एक, फिर एक चेन, फिर यहाँ पर 5। अब जहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इसी तरह से हमने नेक वाली साइड भी स्टार्ट किया है। तो आर्म होल वाली साइड आएंगे, फिर नेक वाली साइड आएंगे। नेक वाली साइड आ गई मैं, यहाँ पर देखिए ये 3 बने, फिर 3, फिर 3, एक चेन ली। अब देखिए ये एक है, एक के ऊपर हमने 3 बनाने हैं। यहाँ पर भी एक बनाया, सॉरी 3 नहीं 2 बनेंगे, यहाँ पर आधी पत्ती आएगी क्योंकि। इसके बाद एक चेन लेंगे और 5 हम पट्टी के बनाएंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर हमारी एक नई पत्ती बननी स्टार्ट हो गई। यहाँ पर एक है, फिर 2 है, 3 आएंगे, 4 आएंगे, फिर ये डिक्रीज होंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से आएगी, ये देखिए ये हमारी पत्ती इंक्रीज हुई यहाँ तक, फिर ये डिक्रीज हो रही है। तो उसी पत्ते को यहाँ पर लें, ये देखिए ये हमारी इंक्रीज हुई, ये डिक्रीज हो रही है। तो ये वाली पत्ती को आप देखिए जहाँ पर ये हमारी डिक्रीज हो रही है। तो कोई चीज़ आपको समझ ना आए नेक पे हमने किस तरह से बनाना है, ये देखिए ये 3 3 3, फिर 2 है, यही चीज़ यहाँ पर है, ये 3 3 फिर 2 है। अब यहाँ पर देखिए 2 के बाद फिर जब हम नई रो स्टार्ट करेंगे तो सेम इस तरह से आएगा, 5 बना के एक चेन, फिर ये 3 आएंगे, फिर ये 3 के ऊपर एक आएगा, फिर आगे ये। तो अब ये सेम यहाँ से आप देख लें, चीज़ आपकी सेम होनी चाहिए। ये देखिए होल के साथ ये 7 डबल क्रोशे वाली आपकी रो है, फिर 5 है, 3 है। तो ये भी आप होल के साथ 7 डबल क्रोशे वाली रो को देखें, ये ना हो आप इसको देखें यहाँ पर भी 3 है, देखिए यहाँ पर भी 3 है, तो ये फिर कन्फ्यूज़न वाला हो जाएगा। तो जहाँ पर ये होल के साथ 7 डबल क्रोशे हैं डिक्रीज़ हो रही है, यहाँ पर भी देखिए होल के साथ 7 डबल क्रोशे हैं, ये डिक्रीज़ हो रही है ये वाली हमारी पत्ती। तो इस 3 3 को देखिए, 3 3 2, 3 3 2। कोई चीज़ अगर आपको यहाँ पर ना समझ आए नेक्स्ट हमने किस तरह से बनाना है तो यहाँ से दे सकते हैं। अब देखिए ये 3 आएंगे, इसको टर्न करेंगे, यहाँ पर हम 3 बनाएंगे। ये देखिए 5 बनाए मैंने, इसके बाद एक चेन ली, दो, और ये होल में बनाया 3, एक चेन ली, ये 3 है, 3 के ऊपर एक आएगा, फिर एक चेन ली। तो यहाँ पर देखिए 3 है, ये 5 हो जाएंगे, आर्म होल वाली साइड आएंगे। तो मैं आर्म होल वाली साइड गई, उसके बाद फिर नेक वाली साइड आ गई। यहाँ पर एक चेन ली हमने, ये देखिए 7 बनाए हैं, उसके बाद एक चेन ली, ये 3 है, 3 के अब 4 हो जाएंगे, होल में बनाएंगे, फिर 3 के ऊपर 3 बना लेंगे। देखिए इस तरह से, इसके बाद एक चेन लेंगे और यहाँ पर 5 पट्टी के बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये बनी। अभी आप काउंट कीजिए, देखिए यहाँ पर हमारा मार्कर लगा है, मार्कर के बाद काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 मैंने टोटल रो बनाई है मार्कर के बाद। आर्म होल की लेंथ जितनी आपको चाहिए आप उतनी अपने लिए बना सकते हैं। ये देखिए 20 बनाई है, 22 बना सकते हैं, 24 बना सकते हैं अगर बड़ा चाहिए। अभी देखिए कितना बना है ये मेरे पास, 8 इंच अभी ये इसकी लेंथ बनी है। तो 34 चेस्ट के लिए मुझे लगता है ये 8 आर्म होल काफ़ी है, क्योंकि हमने इसे स्लीवलेस नहीं बनाना। अगर हमने इसे स्लीवलेस बनाना होता तो मैं यहाँ पर 2 रो और बनाती, 2 रो इसलिए हम और बनाते, यहाँ पर भी हमारी पट्टी बनती। जैसे ये साइड में पट्टी आई है तो यहाँ पर भी फिर मैं 2 रो डबल क्रोशे की बनाती हूँ, उससे ये हमारा फिर थोड़ा छोटा हो जाता है आर्म होल जब यहाँ तक ये बन जाएगी। तो अब यहाँ पर मैंने स्लीव्स भी लगानी है, तो इतना आर्म होल 8 इंच का काफ़ी है। यहाँ पर देखिए हमने जो घटाने फंदे डिक्रीज़ करने स्टार्ट किए थे, रोंग साइड से हमने पहला फंदा डिक्रीज़ किया था और राइट साइड पे मैंने नेक वाली साइड आके इसे फिनिश किया है। यहाँ पर हम धागा काट देंगे, बिल्कुल सेम इसी तरह से दूसरी साइड आएगा, तो वो मैं आपको स्टार्ट करके बता देती हूँ। ये देखिए ये हमारी राइट साइड है, यहाँ से देखिए फर्स्ट रो से, लेकिन हम रोंग साइड से स्टार्ट करेंगे दूसरी साइड, वो क्यों वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए
सेकंड जो आपने पल्ला स्टार्ट करना है, ये हम इस तरह से स्टिच को देखिए आप, एक बार हमारे ये स्टिच रॉन्ग, ये देखिए उल्टे दिखाई देते हैं फिर सीधे दिखाई देते हैं, फिर उल्टे दिखते हैं फिर सीधे हैं, यहाँ पर देखिए उल्टे हैं। तो अब ये सीधे स्टिच की बारी है, तो रॉन्ग साइड से हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए स्टार्ट में देखिए ये हमारी रॉन्ग साइड है, यहाँ से हमने एक, ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 के बाद और यहाँ स्टिच मार्कर से हम स्टार्ट करेंगे। जब आपके पास इस तरह से 7 फंदे और ये एक साथ में होल आए, तब आप नेक की गटाई स्टार्ट करेंगे, तो बहुत फिनिशिंग के साथ बनेगी। अभी जो हमने डिक्रीज किए हैं फंदे, ये देखिए जब आप इसे इस तरह से रखेंगे पहनेंगे, तो ये हमारी लेफ्ट साइड की घटाई बनती है स्काई मार्कर वाली। तो अब ये मैंने ऑरेंज अलग अलग मैंने मार्कर लगाए हैं ताकि आपको पता लगे ये हमारी राइट साइड आएगी पहनने पर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेम बननी है लेकिन मैं आपको फिर भी दो रो बना के दिखा देती हूँ। ये होल से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 चेन लिए हमने डबल क्रोशे की हाइट की, एक हमने एक्स्ट्रा लेनी है होल के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये 7 है, 7 के ऊपर 5 बनेंगे, फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे। देखिए 5 बन गए, एक चेन, यहाँ पर नई पत्ती स्टार्ट हो जाएगी जो नई टुकड़ी है हमने बनानी, एक एक चेन, फिर 5 आएंगे तो नेक वाली साइड आएंगे। देखिए सेम इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने पहले गटाई बनाई है, एक चेन ली, बस अब हमने ये एक चेन लेकर ये 5 बनाने हैं। ये देखिए 7 के बाद ये 5 आए हैं, फिर 3 आएंगे, फिर 2 आएंगे। तो जैसे हमने दूसरी साइड बनाए हैं, स्टिच घटाए हैं, सेम उसी तरह से आने हैं। एक दो रो में मैं आपको दिखा देती हूँ बस। इसके बाद देखिए 3 चेन ली, 5 बनाएंगे, एक चेन ली, एक चेन लेकर अब ये 5 के ऊपर 3 बनेंगे। फिर एक चेन ली, फिर ये 1 के ऊपर 3 बनेंगे। ये देखिए नेक वाली साइड, बस नेक्स्ट रो बनाएंगे तो 3 की जगह 1 आएगा। तो इस साइड फिर मैं आपको 2-3 रो बना के फिर दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको आर्म होल तक पहुँच के पहले ये वाली रो कंप्लीट कर देती हूँ, फिर बाद में बनाऊँगी। ये देखिए आर्म होल वाली साइड सेकेंड रो मेरी घटाई की है, 3 बनाने के बाद 1 चेन ली, अब यहाँ पर पहले होल में बनाएंगे, फिर हम थर्ड चेन में बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर देखिए ये 1 है हमारे पास, फिर 2 हो गए, अब नेक्स्ट में ये 3 हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट वाले के ऊपर नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में बनाया हमने, फिर होल में बना लेंगे, एक चेन ली, फिर ये बीच वाले स्टिच के ऊपर बनेगा, फिर एक चेन ली, तो अब ये 3 है, 3 के ऊपर 5 बनेंगे। तो नेक वाली साइड तो मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ से जाएंगे, फिर देखिए यहाँ पर 1 बनेगा, 1 बनाने के बाद होल बनाएंगे, फिर हम 5 बनाएंगे पट्टी के। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने ये बनाया है, 5 के साथ 1 है, 3 के साथ 2 हैं, तो यहाँ पर भी देखिए सेम है। ये देखिए 5 के साथ 1 है, 3 के साथ 2 हैं। अब देखिए ये 1 बनेगा, तो 1 है तो 1 के साथ आगे 3 है, ये 1 के साथ 3 है। तो अगर आपको यहाँ पर कोई चीज़ समझना है किस तरह से बनाना है, तो यहाँ से देख ले। फिर ये 3 है, 3 के बाद ये 4 आएंगे, फिर 4 के बाद 3 आएंगे, आर्म होल वाली साइड बता रही हूँ मैं, फिर 2 आएंगे, 2 के बाद 1 आएगा, फिर ये 1 आएगा, यहाँ पर 1 है होल है, यहाँ पर भी 1 है होल है, यहाँ पर हमने 4 लिए थे चेन, फिर 1 आएगा, 3 बार इसके बाद एक एक स्टिच आना है, उसके बाद फिर ये 2 आएंगे, फिर 3 आएंगे। देखिए जब आप यहाँ पर 2 के बाद 1 बनाते हो, उसके बाद यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, फिर हमारे 1 के बाद 2 3 4, फिर तो इससे आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको कुछ समझना है घटाई, मैं आपको कंप्लीट करके 20 रो बना के फिर दिखाती हूँ।
तो 20 रो मैंने बना ली है, काउंट कर लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट रो है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और ये हमारी राइट साइड है, ये देखिए फर्स्ट रो से देखिए राइट साइड मैंने ये यहाँ पर आकर धागा कट किया है एक चेन लेकर। अब आप देखिए बिल्कुल सेम हमारे पास बनी है, ये देखिए जैसे हमारा, मैं आपको पास से दिखाती हूँ थोड़ा। ये दोनों साइड हमारे आर्म होल वाली हैं, बिल्कुल उसी तरह से है। देखिए 1 2 3 4, इस साइड भी देखिए 1 2 3 4, फिर 3 2 1, 3 2 1, बिल्कुल सेम है। उसके बाद फिर एक, फिर एक, फिर एक, ये देखिए यहाँ पर होल है, फिर एक, उसके बाद फिर से हमारे स्टिच इंक्रीज हो गए, ये 2 3 4, फिर 2 3 4। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, अगर किसी आर्म होल में आपको पता ना चले तो दूसरे से आप देख सकते हैं हमने किस तरह से बनाना है। इसी तरह से नेक है, नेक भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नेक की शेप भी देखिए कितनी अच्छी आई है, यहाँ से भी कितनी फिनिशिंग आई है इसकी, इस हिसाब से हमने कटाई की है। यहाँ पर देखिए बस हमने ये देखिए यहाँ से जाते जाते यहाँ तक हमने कटाई की है, उसके बाद हमने सीधा बुना है, उसके बाद हमने इस तरह से नहीं बनाया ये बिल्कुल। अगर इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ पर आधी टुकड़ी आपकी और कम हो जाएगी, तो नेक आपका ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। अगर आपके स्टिच आपके पास ज़्यादा है, जैसे आप 40 का बनाते हैं, 45 का बनाते हैं, फिर आप ये वाली आधी पत्ती भी घटा सकते हैं। तो उसी हिसाब से ये नेक यहाँ पर हम डिक्रीज करते हैं। मैंने यहाँ पर 2 पूरे पैटर्न कम किए हैं, मतलब ये 7 हमारे ये होते हैं और एक हमारी चेन होती है, 8 होते हैं हमारे पास। तो 2 8 का 8 ये हो गए, 8 ये हो गए, 2 पूरे पैटर्न, मतलब मैंने यहाँ पर 16 स्टिच कम किए हैं। अगर आप बड़े साइज का बनाते हैं तो आप 20 स्टिच कम कर सकते हैं, इसी तरह से आप 24 कम कर सकते हैं। तो जितना आप साइज बड़ा करते जाएंगे, नेक भी उसी हिसाब से यहाँ से इसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी। इसी तरह से अगर आप छोटी बनाते हैं किसी बच्चे की, तो फिर आपको ये 16 स्टिच कम करने की ज़रूरत नहीं है, 2 पूरे पैटर्न। फिर आप 1.5 पैटर्न कम करिए, बिल्कुल छोटे बच्चे का बनाते हैं तो 1 पैटर्न कम करिए, एक इस साइड कम हो जाएगा, एक इस साइड कम हो जाएगा, तो वो 2 पैटर्न कम हो जाएगा। इस तरह से आप छोटे या बड़े साइज में बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने इसके बाद यहाँ तक सीधा बुना है, ये 4 हमने सीधे बनाए हैं, डिक्रीज नहीं किया दोनों साइड। यहाँ पर देखिए एक है, फिर 2 3 4, यहाँ पर भी। अब बैक की हमने कटाई बनानी है, तो बैक की कटाई में ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम इसी तरह से जैसे हमारा आर्म होल इस साइड आया है, जैसे इस साइड आया है सेम आएगा, लेकिन हमने स्टार्ट किस तरह साइड से करना है ये देखिए। यहाँ पर आप देखिए जो भी मैंने आपको पहले बताया है, ये हमारे उल्टे स्टिच दिखाई देते हैं, ये सीधे दिखाई देते हैं, अब उल्टे स्टिच आएंगे हमारे, तो इसका मतलब है हम राइट साइड से स्टार्ट नहीं करेंगे, ये हमारी राइट साइड है देखिए, तो हमने रॉन्ग साइड से इसे स्टार्ट करना है। ये हमारी रॉन्ग साइड है, यहाँ से देखेंगे फर्स्ट रो से रॉन्ग साइड से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ये उल्टे स्टिच है तो रॉन्ग साइड से स्टार्ट करेंगे, अब ये सीधे स्टिच रॉन्ग साइड में आएंगे, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है स्काई मार्कर से। बिल्कुल हमने जो अभी ये ऑरेंज मार्कर से स्टार्ट किया है उसी तरह से यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए पहले हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे डबल क्रोशे की हाइट की, फिर सेंटर में होल की लेंगे, तो स्टार्ट में 4 चेन लेंगे, फिर 5 डबल क्रोशे करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से। तो इसीलिए मैंने बताया आपको बिल्कुल सेम है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ना पता चले, फिर भी मैं आपको 2 रो स्टार्ट करके बता देती हूँ। ये देखिए 1 2 3 चेन लिए हमने डबल क्रोशे की हाइट की, एक हमने लिए होल के लिए, और इसके बाद एक स्किप करेंगे, 5 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 डबल क्रोशे किए, ये लास्ट वाले को स्किप करेंगे, एक चेन ली, यहाँ पर हमारी दूसरी पत्ती स्टार्ट हो जाएगी 1 डबल क्रोशे के साथ, देखिए इस तरह से। तो कंप्लीट करके दूसरी साइड आएंगे, तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। लास्ट में किस तरह से बनाएंगे, 5 डबल क्रोशे बनाए, इसके बाद एक चेन ली और यहाँ पर हमने 1 डबल क्रोशिया किया। ये हमने यहाँ पर इस तरह से बनाया है जैसे स्काई मार्कर वाली साइड हमने बनाया था, देखिए यहाँ पर सेम हमने इसी तरह से बनाया था, 5 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, देखिए 5 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से सेम बनना है। अब देखिए स्काई मार्कर वाली साइड देखिए, दूसरी साइड हमने किस तरह से बनाया है, फर्स्ट रो हो गई, अब सेकेंड में हमने ये 2 बनाए हैं,
एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर, तो सेम इसी तरह से बनाएंगे। ये मैं आपको इसलिए साथ साथ बता रही हूँ कि यहाँ पर हमने स्काई मार्क वाली साइड बनाना है, ताकि यहाँ पर आगे आपको कहीं कन्फ्यूज़न आए तो आप वहाँ से देख सकें। एक चेन ली, आगे एक के यहाँ तीन हो जाएंगे, फिर यहाँ पांच के तीन हो जाएंगे, कंप्लीट करके यहाँ तक आएंगे। रो को फिनिश करेंगे। स्टार्ट देखिए हमने इस तरह से किया है, तीन डबल क्रोशे के साथ हमारे दो हैं, तो एंड भी इसी तरह से करना है हमने। ये तीन डबल क्रोशे एक चेन पहले हम होल में बनाएंगे, फिर यहाँ से एक दो तीन थर्ड चेन में बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये एक है, एक के ऊपर दो हो गए, फिर यहाँ पर तीन हो जाएंगे। तो जैसे हमने बाकी का बनाया है सेम उसी तरह से बनेगा। फिर होल में बना लेंगे, फिर एक चेन ली, यहाँ पर एक बनेगा, फिर एक चेन ली, ये तीन है, तीन के पांच हो जाएंगे, कंप्लीट करके यहाँ पर आएंगे। ये देखिए एक बनाया, फिर पांच बनाए, होल में बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर एक है, फिर ये दो हैं, अब ये तीन हो जाएंगे। नेक्स्ट रो में ये चार हो जाएंगे। वर्क को टर्न करेंगे, एक दो तीन, यहाँ पर बनाएंगे, बिल्कुल स्टार्ट वाले में नहीं बनाना, होल में बनाएंगे। तो ये एक दो तीन चार हैं, एक चेन ली, इसके बाद ये पांच है, तो पांच की जगह ये सात हो जाएंगे, एक बनेगा यहाँ पर, जैसे हमने स्टार्ट चार के साथ किया है एंड भी चार के साथ करेंगे, यहाँ पर आएंगे। देखिए चार हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी चार हैं, तो इसके बाद ये तीन आएंगे, फिर दो आएंगे, फिर एक आएगा। जब एक आएगा तब फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस यहाँ से आपने टर्न लेके, अब ये चार है, चार के अब हमने तीन कर देने हैं, और एक साथ में, जब यहाँ पर डिक्रीज स्टार्ट हो गया, देखिए ये तीन ये चार है, ये डिक्रीज हो गया एक यहाँ पर। जब डिक्रीज होता है तो यहाँ पर एक नई पत्ती, नई टुकड़ी स्टार्ट हो जाती है, एक यहाँ पर, यहाँ पर भी ये सात से पाँच हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर तीन आए हैं शुरू में, तो यहाँ पर भी एंड में तीन आएंगे चार के ऊपर। तो अगली तीन रो मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। अभी देखिए हमने कितनी रो बनाई है, एक दो तीन चार। तो अब आप देखिए छः रो मैंने कंप्लीट कर ली है, यहाँ से स्टार्ट किया था, एक दो तीन चार पाँच छः, और यहाँ पर हमारी पत्ती डिक्रीज हो रही है। ये देखिए ये एक दो तीन चार, यहाँ डिक्रीज हुई है, तीन दो एक। अब ये एक आना है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ एक किस तरह से आएगा। यहाँ पर हमने तीन चेन लिए, जो एक हमारी डबल क्रोशिया आएगा उसकी हाइट के लिए, उसके बाद एक चेन लेनी है होल के लिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए बाकी उसी तरह से है, ये तीन है, ये देखिए ये एक है, तीन है, अब यहाँ पर पांच होने हैं, पांच बनाएंगे। इसी तरह से हमने रो को फिनिश करना है। अब ये हमारे पास यहाँ पर एक है, दो के बाद एक है, और एक हमने होल के लिए लिया है, टोटल हमने फोर चेन्स ली हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक बनेगा, फिर ये पांच बनेंगे, दूसरी साइड आएंगे। रो के एंड में भी इसी तरह से बनाएंगे, पांच डबल क्रोशिया किए, उसके बाद एक चेन ली, ये एक पूरा स्किप करेंगे, थर्ड चेन में हमने डबल क्रोशिया किए। लास्ट में भी देखिए जैसे हमने शुरू में रखा है सेम उसी तरह से आया है, ये एक चेन या तीन की हमने चेन ली थी, फिर बीच में एक चेन ली थी, तो टोटल चार चेन ली थी। यहाँ पर भी ये चार चेन जितना है, ये डबल क्रोशे की हाइट तीन चेन जितनी होती है, एक हमने बीच में ली है, तो ये टोटल चार बनती है, इसीलिए हमने स्टार्ट में चार ली।
तो मैंने आपको एक पूरी पत्ती डिक्रीज करके बता दी है ताकि किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तीन हमने चेन लिए, ये देखिए यहाँ पर दो हैं, उसके बाद ये एक बार, फिर दो बार, फिर तीन बार, तीन बार यहाँ पर एक एक स्टिच आएगा एंड में। तो तीन चेन लिए, एक हमने और लेनी है होल के लिए। तो शुरू में हमने चार चेन ली, चार चेन लेकर मैंने ये होल में बनाया। इसके बाद ये पाँच है, पाँच के ऊपर पाँच बनेगी, यहाँ पर सात बनेंगे टोटल। स्टार्ट हमने चार चेन के साथ किया, इसके बाद पैटर्न हमारा वही कंटिन्यू होगा, एक चेन आएगी फिर यहाँ पर सात बनेंगे, एक होल में बनेगा फिर नेक्स्ट में बनेगा। चार चेन, चार चेन लेकर फिर हमने सात बनाई है तो दूसरी साइड आएंगे, रो को फिनिश करेंगे। स्टार्ट में हमने देखिए चार चेन ली थी, उसके बाद हमने सात डबल क्रोशे किए हैं, सेम उसी तरह से बनेगा ये, एक दो तीन चार पाँच छः और सातवां डबल क्रोशिया होल में बनाया। उसके बाद एक चेन ली, एक चेन लेकर ये एक दो तीन थर्ड चेन में हमने डबल क्रोशिया किया। तो यहाँ पर भी देखिए एक है, यहाँ पर भी एक है, नेक्स्ट रो में भी ये एक रहेगा, उसके बाद फिर ये दो आएंगे। तीन चेन लिए हमने, तीन चेन लिए, उसके बाद एक चेन हमने होल के लिए लेनी है, चार चेन। तो अब देखिए ये हमारे पास सात है, सात के ये पाँच हो जाएंगे, तो डिक्रीज़ करना है हमने। ये हमने धागा लिया, ये देखिए पहले वाला जो डबल क्रोशे है इसे स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। तो चार चेन लेकर मैं पांच डबल क्रोशे यहाँ पर बनाऊँगी, पांच डबल क्रोशे बना लिए मैंने, ये देखिए इस तरह से है। इसके बाद एक चेन ली हमने, यहाँ पर नई टुकड़ी स्टार्ट हो जाएगी, फिर एक चेन ली, फिर यहाँ पर पाँच बनेंगे तो यहाँ पर आएंगे। तो अब देखिए ये लास्ट में हमने पांच बनाए, एक चेन ली हमने, एक चेन लेकर देखिए यहाँ पर हमने चार चेन ली थी, थर्ड चेन में बनाना है एक दो तीन। यहाँ पर देखिए ये एक, यहाँ पर भी ये एक है, यहाँ पर भी ये एक है। इसके बाद जो नेक्स्ट रो आएगी उसमें ये दो हो जाएंगे, एक दो तीन चेन लेनी है अब हमने, चार नहीं लेनी। तो ये देखिए इसके ऊपर ये तीन की चेन आ गई, अब हमने होल में बनाना है। तो अब देखिए ये एक है, यहाँ पर दो हो गए, फिर एक चेन ली, फिर यहाँ पर तीन बनेंगे पाँच के ऊपर। तो इसके बाद फिर इसी तरह से बनेगा पूरी, मैंने एक टुकड़ी आपको बता दी है, तीन चेन, ये एक है, एक के तीन बनेंगे। जो तो जिनको तो क्रोशिया आता होता है उनको इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो नए होते हैं तो ये उनके लिए मैंने इतनी डिटेल में बताई है सारी। अब यहाँ पर दो हैं, जब आप रो को फिनिश करेंगे यहाँ पर भी दो के साथ फिनिश होगा। यहाँ पर देखिए पांच हैं, पांच के ऊपर तीन आएंगे, फिर आप एक चेन लेंगे और यहाँ पर एक दो तीन, देखिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तीन बार यहाँ पर एक बन चुका है। अब हमने इस रो में आके दो बनाने हैं, तो यहाँ पर तीन बनाएंगे, उसके बाद एक चेन लेंगे, फिर होल में एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ पर एक दो तीन थर्ड चेन में करेंगे, तो यहाँ पर फिर आपके पास दो हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से एंड हमने करना है, एक चेन ली, होल में बनाया, फिर एक दो तीन थर्ड चेन में बनाया। तो जैसे हमने दो डबल क्रोशे के स्टार्ट्स के साथ स्टार्ट किया, इसी तरह से हमने एंड किया है। तो इसके बाद हम इसके ऊपर तीन बनाएंगे, फिर चार बनेंगे। तो अब मैंने आपको कंप्लीट ये देखिए टुकड़ी आपको बना के बता दी है, सेम इसी तरह से आगे कंटिन्यू करें और कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इतना बनाने पर देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस, दस रो मैंने बना ली है, दस आगे मैं और बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए घटाई मैंने बैक साइड की कंप्लीट कर ली है, इस तरह से है। ये देखिए साइड में हाफ पत्ती आई है, इसी तरह से इस साइड में ये हमारी हाफ पत्ती है। और अब मैंने यहाँ पर आपको बताया था फ्रंट में हमने 20 रो बनाई थी यहाँ से लेकर 20, तो 20 हमने यहाँ पर बनानी है, लेकिन अभी मैंने 19 रो कंप्लीट की है। ये देखिए यहाँ से काउंट करें, देखिए ये हमारी फर्स्ट रो है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 है। और 20th रो मैंने स्टार्ट की है। 20th रो हमने किस तरह से बनानी है ये देखिए, यहाँ तक तो हमने इसी तरह से बनाई है। यहाँ तक तो जैसे हम पैटर्न बनाते हैं उसी तरह से बनाई है। देखिए इसके बाद जो सेंटर वाला पोर्शन है इतना हमारी नेक का, उसमें हमने सारे डबल क्रोशे बनाने हैं, इस तरह से होल नहीं आएंगे। उसके बाद यहाँ से फिर से हम यही वाला पैटर्न कंटिन्यू करेंगे। तो सेंटर वाला इतना पोर्शन डबल क्रोशे से बनाना है। ये हमने कहाँ तक बनाने हैं ये आप इसको देख के देखिए, ये इसकी दूसरी साइड है। ये हमारी लास्ट जो रो बन रही है ये हम राइट साइड से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये राइट साइड है, तो राइट साइड है मेरी। और ये देखिए इसको इस तरह से रख के देखें, आपको पता चल जाएगा ये हमने कहाँ तक बनानी है। यहाँ पर देखिए ये मेरे पास चार हैं, उसके बाद देखिए फिर होल, सात सात फिर चार हैं। तो इस तरह से मैंने चार फिर सात फिर सात फिर चार बना लिए, सेम यहाँ तक मैंने बना लिया। इसके बाद हमने ये जो सेंटर में चेन ली है, होल बनाया है, ये नहीं बनाएंगे, बस इतना हमने बनाया है सेम। इसके बाद हमने सारे डबल क्रोशे करने हैं। तो डबल क्रोशे आगे कैसे बनाने हैं, ये देखिए धागा लिया, इसके आगे बस हमने सभी में डबल क्रोशे बनाना है। ये देखिए डबल क्रोशे किया, फिर नेक्स्ट में किया, इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने बना लिया, ये होल है, होल में भी एक डबल क्रोशे करेंगे। फिर ये एक है हमारे पास, इसके ऊपर बनाएंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे। तो हर होल में हर चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया करके ये देखिए यहाँ तक आएंगे। इसके बाद हम फिर से पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने डबल क्रोशिया की रो बनानी है, इसमें होल नहीं बनाए। तो अब हमने कहाँ तक बनानी है, इसके बाद हमने पैटर्न को, जो हमारा पैटर्न है उसे कंटिन्यू करेंगे। किस तरह से है देखिए, इस साइड देखिए दूसरी साइड है ये जो, तो यहाँ पर चार हैं, फिर ये सात हैं, फिर सात हैं, और उसके बाद होल के बाद हमारा सारा इसी तरह से है। तो यहाँ भी इसी तरह से आएगा, यहाँ पर चार बनेंगे, फिर यहाँ पर सात आएंगे, यहाँ पर सात आएंगे, उसके बाद सारा डबल क्रोशे की रो आएगी। तो उतना मैंने छोड़ लिया है, ये देखिए इतना छोड़ लिया है। इसके बाद यहाँ पर हम पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। एक चेन ली और यहाँ पर सात बना लेंगे, जो हमने टुकड़े को इनक्रीज करना है। बाकी एंड तक हमने इसी तरह से बनाना है। इसके बाद यहाँ पर एक चेन लेंगे, फिर सात बनेंगे, फिर होल एक चेन लेकर चार बनेंगे। ये देखिए रो कंप्लीट हो गई। ये देखिए यहाँ तक सारे डबल क्रोशे हैं। इसके बाद होल, फिर सात होल, सात, और यहाँ पर होल के बाद चार हैं। यहाँ पर एक चेन लेंगे, धागे को काट देंगे, थोड़ा सा धागा आप एक्स्ट्रा रख लें स्टिच करने के लिए। तो अब देखिए ये हमारी राइट साइड है और इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे। तो अंदर वाली दोनों साइड राइट है, बाहर वाली दोनों साइड हमारी रोंग है। अब यहाँ पर हम इसे स्टिच कर देंगे। मैंने देखिए यहाँ पर जो आर्म होल बनाया है ये 20 रो के साथ बनाया है। अगर किसी का ये जो आर्म होल आप बड़ा रखना चाहते हैं तो 22 रो के साथ भी बना सकते हैं, 22 के साथ। बस हर चेन को लेकर हमने इसे स्टिच कर लेना है। ये देखिए हमारा पहला डबल क्रोशिया है, इस साइड से हमने 1, 2, 3 थर्ड चेन को लिया। इसके बाद नेक्स्ट चेन को लेंगे, पूरी चेन को लेंगे। देखिए पूरी चेन का मतलब है चेन के दोनों लूप लेंगे इस साइड से। कंप्लीट करेंगे इसी तरह से, दूसरी साइड भी स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टिच कर दिया मैंने। जब हम स्टिच करेंगे तो ये जो हमारे सात स्टिच हैं ये सात के साथ मैच होने चाहिए, उसी से फिनिशिंग आएगी। देखिए
ये हमारी रॉन्ग साइड है, राइट साइड से देखिए इस तरह से। यहाँ पर भी ये हमारी, देखिए आपको अच्छे से दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर भी हमारी ये एक पूरी टुकड़ी बन गई। तो इस तरह से हमने इसे मैच करके अच्छे से फिर स्टिच करना है। तो अब आप देखिए ये हमारा जो आर्म होल है, 8 इंच मैंने आर्म होल रखा है, इससे ज़्यादा नहीं रखा। तो आज इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, नेक की हमने कटाई बना ली और साथ में आर्म होल भी बना लिया। अब थर्ड पार्ट में हम इसकी स्लीव्स बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।